आलोक इंडस्ट्री 2 दिन से अपर सर्किट लग गया, क्या करें, खरीद लें क्या? तो आलोक इंडस्ट्री के लिए भाई पहले तो डिटेल वीडियो देखनी, तो यहाँ पर आ रहा है कार्ड में, लिंक आ रही है यहाँ पर भाई। आलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट दोनों की वीडियो मैंने कंपेरिजन करके बताया था, उसको देख लेना। और मेरी तरफ से ना है आलोक इंडस्ट्री, मैंने उस समय ही बताया था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले ये स्टॉक। और ट्राइडेंट को मैंने बताया था अच्छा स्टॉक इससे, और ट्राइडेंट को मैंने कहा भी था अगर आप कंसिडर कर सकते हैं, उस समय 13 रुपये के आसपास चल रहा था, और लो ये चल रहा था 19 रुपये के आसपास। तो मैंने कहा था भाई अगर आप फिर भी अगर नहीं मानते हो तो भाई 19 रुपये के आसपास ले लेना। और अभी तो 2 दिन से अपर सर्किट लग गया है, तो अब तो भाई बिल्कुल भी मैं नहीं लेने के लिए, अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। इसमें देख सकते हैं आप अपर सर्किट लगना चालू हुआ था इससे पहले भी यहाँ पर, और अपर सर्किट लेते लेते 60 रुपये के आसपास लेके गया था ऑपरेटर, और उसके बाद फिर काट दिया माल, फिर 29 रुपये ले आया, फिर ऑपरेटर ने भाई यहाँ पर गेम खेला, फिर ले गए 40 रुपये के ऊपर, फिर नीचे ले आया 19 रुपये के आसपास। तो इसमें ऑपरेटर गेम करता रहता है, और यहाँ पर देख सकते हैं फिर कंसोलिडेशन चालू था कई दिनों से, अब फिर अपर सर्किट लग गया, और ऐसे ही चलता है भाई आलोक इंडस्ट्री, अपर सर्किट चलता है, कभी लोअर सर्किट लग जाता है, जब मर्जी होती है। तो अवॉइड करने के लिए बोलूँगा भाई, मेरी तरफ से अवॉइड करना है, बाकी आपका पैसा आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल और दिखाऊंगा अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला, कैसे भाई एक स्टॉक हो गया 7,000% के रिटर्न दे दिए उसने एक साल में, वो देखेंगे सब। और RSI यहाँ पे देख सकते हैं ओवरबोट है, और यहाँ पे भी कोई ज़्यादा इसकी भाई दिख नहीं रही है, बाई सिग्नल बना हुआ है, और कोई इसकी फंडामेंटल एनालिसिस है नहीं काफ़ी, मुझे कोई खास दिखती नहीं है फंडामेंटल इसके। तो अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, बेशक अपर सर्किट लग गए हैं। और वो दूसरी कंपनी है भाई ऑर्चिड फार्मा, इसको डाल के देख लेना, ऑर्चिड फार्मा 18 रुपये का हुआ करता था, और इसने विद इन 1 ईयर में आप देख सकते हैं 7,363% के रिटर्न दे दिए हैं, और ये भी अपर सर्किट रोज लगाता गया, और एक दिन 2,250 के आसपास जब ये पहुंचा तब इसने लोअर सर्किट लगना चालू हो गया, फिर लोअर सर्किट लगा, अभी भी लोअर सर्किट ही लग रहे हैं, और तो गिरता ही चला जा रहा है। तो ऐसा ही चलता है भाई ऑपरेटेड ड्रिवन स्टॉक में, आपको भाई इस तरीके से भगाया जाता है स्टॉक को। अब आप इमेजिन कर सकते हो एक साल से कम समय भी 7,000% के रिटर्न भाई कौन सा स्टॉक दे सकता है। तो इस तरीके से भाई मार्केट में चलते रहते हैं, कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनकी भाई मार्केट कैप कम होती है, तो उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है ऑपरेटर के द्वारा, और ऐसे ही वो ऑपरेटर करते हैं मैनिपुलेट। तो आपको ऐसे स्टॉक से क्या करना है भाई, दूर रहना है हमें भाई, ऐसे जल्दीबाजी में शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है, हर्षल मेहता था कौन था भाई उसकी तरह, तो अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों को। बाकी भाई वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।